जैसा कि आप लोग ने देख ही लिया है कि 75वीं ऑक्शन का आज हो चुका है दूसरा दिन, और कौन कौन से चैनल हैं जो कि आज जीत सकते हैं अपना स्लॉट और 1 अप्रैल से आ सकते हैं डीडी फीडिश पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्वागत है आप लोग का डीटीएच के पंडित यूट्यूब चैनल में। मैं आपका अपना दोस्त श्याम शर्मा आज आपको डीडी फीडिश की एक और नई अपडेट यानी कि ई ऑक्शन सीरीज की 7वां एपिसोड देने वाला हूँ। तो ऐसा एपिसोड पाने के लिए अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं 75वीं ऑक्शन के दूसरे दिन की, जिसमें कौन कौन से चैनल हो सकते हैं जो कि अपना स्लॉट जीत सकते हैं और इस 1 अप्रैल से आ सकते हैं डीडी फीडिश पर। तो चलिए बात करते हैं हमारी ई ऑक्शन की। जो हमारी 75वीं ई ऑक्शन हुई थी वो डीडी फीडिश ग्राहकों के लिए एमपीजी 2 बॉक्स के लिए हुई थी, और इसमें कल कुछ चैनलों ने अपना स्लॉट जीता, उनकी भी बात हम आज ही करेंगे। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए यार। तो जो 75वीं ई ऑक्शन होने वाली थी 19 फरवरी से शुरू होने वाली थी, और 19 फरवरी के लिए जो ई ऑक्शन थी वो हमारे मन पसंदीदा बॉक्स एमपीजी 2 के बकेट फर्स्ट के लिए यानी कि बकेट ए प्लस के लिए हुई थी, जिसमें कि ए प्लस, क्योंकि ए प्लस की जो कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा थी, और बकेट ए प्लस के लिए यानी कि हिंदी उर्दू जी सी चैनल्स के लिए ई ऑक्शन हुई थी। और इसमें जो आज ई ऑक्शन होगी वो भी बकेट ए प्लस के लिए ही होगी, और इस पर आपको बहुत सारे चैनल डीडी फ्रिश के बकेट ए के देखने के लिए मिलेंगे। बात करें हमारे कल जो इन्होंने अपना स्लॉट जीता था उनमें से 4 चैनल के नाम निकल के आए हैं। बात करें हम अपने उन 4 चैनल्स की, तो वो 4 चैनल रहने वाले हैं आप लोगों के मन पसंदीदा चैनल हैं, जीईसी चैनल हैं जो कि अभी भी डीडी फ्रिश पर उपलब्ध हैं। वो चैनल रहने वाले हैं दंगल टीवी, दंगल 2, शमारो टीवी एंड शमारो उमंग। ये 4 चैनलों के नाम निकल के आ रहे हैं कि उन्होंने अपना कल स्लॉट जीत लिया है और ये डीडी फ्रिश पर बने रहेंगे हमारे एनुअल ई ऑक्शन के बावजूद, यानी कि 1 अप्रैल के बाद से भी ये डीडी फ्रिश पर ही बने रहेंगे। तो चलिए बात करें हमारे डीडी फ्रिश के 4 चैनलों के नाम निकल के आ रहे हैं, और कुछ चैनलों के नाम अभी बाद में निकलेंगे तो उसकी भी वीडियो हम आपको बना के दे देंगे। तो डीडी फ्रिश से रिलेटेड ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आपको अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना होगा, जिससे कि आप लोगों को ऐसी ही अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए मिलती रहे। थैंक्स फॉर